हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 19 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट्स एंड रिलेटेड डेथ्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इट्स इकोनॉमिक लॉस अकाउंट्स फॉर अबाउट 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रोड एक्सीडेंट के ऊपर ग्लोबल लेवल पे ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुआ था, उसके अंदर अगर इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स हम देखें, सो इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट और इंजरीज। मतलब ग्लोबली जितनी भी रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, उसमें से 11% सिर्फ इंडिया के अंदर होती है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को ये कहा था कि इसके ऊपर आपको कोई मेजर लेना चाहिए। अब इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक लॉस जो है, इट इज अबाउट 3% ऑफ अवर जीडीपी। अगर सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो वो अराउंड 0.77% है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें जितनी भी डेथ्स होती है उसमें से 76% डेथ जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन की होती है, दोज हु बिलोंग टू एज ग्रुप ऑफ 18 to 45। 76% डेथ जो है वो वहां पे रिकॉर्ड होती है। दैट इज व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू। सो अभी ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर ये जो रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहा है उसके कंसर्न के बारे में बताया गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर रिसेंटली ये जो इंसिडेंट हुआ है, और यहाँ पे ये रिपोर्ट को भी मेंशन किया गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट दिया। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, तो इससे पहले एक स्टेप जो है वो काफी न्यूज में था, जिसे हम कहते हैं मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट। तो हम दूसरा क्वेश्चन जो है उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। सेकेंड, इट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर फॉर रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स इफ अ डिफेक्ट इन द व्हीकल मे कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट। And the correct answer is C, both 1 and 2, दोनों statement correct। अब देखिए, recently ये जो Motor Vehicles Amendment Act जब implement किया गया था तो काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि इसके अंदर जो fine की amount है वो काफी ज्यादा है। लेकिन ministry ने इसको justify किया था कि अगर India के अंदर situation improve करनी है तो ये fine जो है वो जरूरी है। इसके अंदर एक ये अच्छा प्रोविजन है कि जो भी विक्टिम है रोड एक्सीडेंट के, सो विद इन गोल्डन आवर किसे कहते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद का एक घंटा, कि जहां पे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, तो ऐसे गोल्डन आवर के अंदर जो भी विक्टिम है उसको कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाएगी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट कि इसके अंदर तीन क्राइटेरिया रखे हैं कि ऐसे जो भी व्हीकल है जिसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है, या तो किसी दूसरे व्हीकल को ये नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर जो भी रोड पे इंडिविजुअल दूसरे हैं अगर उनको कोई नुकसान है, तो ये तीनों कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है कि वो उस व्हीकल को रिकॉल करेंगे, मतलब कि उस व्हीकल को अब चलाने की परमिशन नहीं देंगे। तो अगर एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे व्हीकल को नुकसान हो रहा है, या फिर किसी इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा है, तीनों केस के अंदर द गवर्नमेंट हैज राइट टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर व्हीकल। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो इसी आर्टिकल के अंदर यहां पे आप देख सकते हैं कि मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जिसको मेंशन किया गया। थर्ड क्वेश्चन, Which of the following statement is or are correct? First, Union Budget 2021-22 introduced withdrawal of tax exemption
of higher contributions by the employers in the employees provident fund. Second, government aims to include high net worth individuals into the tax regime by taxing their provident fund income. And the correct answer is B, second only. First is incorrect. अब पहला स्टेटमेंट जो है वो दिखने में तो सही लगता है, लेकिन यहां पे ये वर्ड जो है वो गलत है। प्रोविडेंट फंड के अंदर दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉई के साइड से और एक एम्प्लॉयर के साइड से। तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है ऑलरेडी लास्ट ईयर के बजट के अंदर यहां पे 7.5 लाख की लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई। अब सवाल ये है कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर एक साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा अगर एम्प्लॉई के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है तब जाके इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। सो इट इज नॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड जो है वो करेक्ट है। इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम देखने जाएं तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिसे हम HNI कैटेगरी कहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया कि ऐसे कितने HNI कैटेगरी के लोग हैं जिनका प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा। तो उसकी अमाउंट गवर्नमेंट को मिली, इट अमाउंट्स टू 2000 करोड़। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि PF के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करके रिटर्न जनरेट करते हैं एंड इट वॉज टैक्स एग्जेम्प्टेड, तो इसलिए इसका लोग बेनिफिट उठा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर प्रोविजन इस साल के बजट के अंदर ऐड किया है। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो ये जो रिसेंटली PF से रिलेटेड बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था। तो क्या ये होना चाहिए, इसके अंदर जो लिमिट सेट की गई है क्या ये सही है या नहीं, उसके लिए ये आर्टिकल दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। फर्स्ट, इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू एंश्योर हासल फ्री डिलीवरी ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। सेकेंड, इट विल बी अ यूनिवर्सल रेशन कार्ड अलॉटेड टू ईच बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड थर्ड, द बेनिफिशियरीज विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज द सेड मिनिस्ट्री इज इनकरेक्ट। ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा चलाई जाती है। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री फूड को सप्लाई करती है तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं। इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो करेक्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेंट्स जो होते हैं अपने स्टेट में से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिले इसके लिए ये रेशन कार्ड को पोर्टेबल बनाने के लिए स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। मतलब कि अगर कोई महाराष्ट्र का इंसान है वो गुजरात में आके यहाँ पे काम करता है तो महाराष्ट्र के रेशन कार्ड से ही वो गुजरात के अंदर भी सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स को एक्सेस कर सकता है। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा कि ये एक यूनिवर्सल रेशन कार्ड स्कीम है जो कि सभी बेनिफिशियरीज को इस एक्ट के अंदर मिलता है और यहाँ पे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर हेल्थ के ऊपर आर्टिकल था, किस तरीके से हेल्थ बजट जो डिक्लेयर किया गया है उसको राइट नोट पे आप इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हेल्थ से रिलेटेड तीन चीजें जो है उसको कनेक्ट किया गया है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। किस वजह से ये, क्योंकि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये चीज बताई गई है कि ये तीन चीज की वजह से हमारे हेल्थ का आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, तो उसको कनेक्ट किया गया है कि कैसे इम्प्रूव होंगे। तो यहाँ पे ये स्कीम जो उसको मेंशन किया गया है कि हाउ दिस स्कीम विल हेल्प अस। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जल जीवन मिशन अर्बन। फर्स्ट, इट वॉज लॉन्च इन 2020 टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल स्टेच्यूटरी टाउन्स। सेकेंड,
इट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द एसडीजी 6 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. थर्ड, इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली. फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट. अब यहां पे ये गलत है क्योंकि इस साल जब बजट रिलीज हुआ उसके अंदर ये जल जीवन मिशन अर्बन जो है वो लॉन्च किया गया. इससे पहले जो लॉन्च किया गया था वो रूरल मिशन था. इट वॉज मेंट ओनली टू प्रोवाइड द टैप्ड वाटर टू रूरल हाउसहोल्ड्स. अर्बन एरियाज के लिए 2021 के बजट के अंदर इसे रिलीज किया गया. उसका जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो करेक्ट है कि जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं उन सबको टैप्ड वाटर देने के लिए 24/7 ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया. सो इट इज मेड अप इन अकॉर्डेंस विद द एसडीजी 6. एसडीजी 6 के अंदर क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो ये गोल यहां से पूरा हो सकता है. थर्ड इज इनकरेक्ट क्योंकि मिनिस्ट्री जो है वो गलत है. अब अर्बन एरिया है तो यहां पे होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सो इसका आंसर होगा बी सेकेंड ओनली. इसी आर्टिकल के अंदर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जल जीवन मिशन जो है वो हमें हेल्पफुल हो सकता है. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS. फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम्स ग्रू बिटवीन 2011-12 टू 2017. सेकेंड, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर reduced between 2011-12 and 2017. Third, there is a consistent increase in the ownership of vehicles. And the correct answer is C, 1 and 3. Second is incorrect. अब देखिए ये जो Indian Human Development Survey है वो recently जब NSS का कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर जो सर्वे आता है वो गलती से लीक हो गया. फिर गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया कि इसके अंदर क्वालिटी डेटा नहीं था तो इसलिए हमने इसको रिलीज नहीं किया. तो वो लीक हो गया था, उसके अंदर ये चीज बताई गई थी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है इंडिया के अंदर रिड्यूस हो रहा है एंड दैट इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द कंट्री बिफोर द लॉकडाउन. तो उसके बाद ये सर्वे जो है वो रिलीज किया गया. इसके अंदर अपोजिट आउटकम्स, इसके अंदर पॉजिटिव चीजें बताई गई कि इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ी है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अराउंड बाय 3%. फिर पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है, अब यहां पे आप दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हैं. अगर लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है तो फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस हुआ, और अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम भी रिड्यूस हुई होगी. तो यहां से अंदाजा आ जाना चाहिए कि दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट क्योंकि ये पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी अराउंड 2.5% इंक्रीज हुआ और उसमें ये भी बताया गया था कि ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है. सो द आंसर इज सी, 1 and 3. तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर एक अच्छा आर्टिकल था कि मनी वर्सेस हैप्पीनेस दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर ये जो पर्टिकुलर सर्वे है उसके कुछ फाइंडिंग्स को एनालाइज किया गया है कि हाउ रिलायबल दे आर, पर्टिकुलरली ये जो IHDS सर्वे है उसको मेंशन किया गया. दूसरा भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि सब्जेक्टिव वेलबींग क्या होता है, तो हम दूसरा क्वेश्चन उसके ऊपर देखेंगे. सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग. फर्स्ट, इट इज अ सेल्फ रिपोर्टेड मेजर ऑफ वेलबींग. सेकेंड, इट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ देयर लाइव्स. थर्ड, इट इंक्लूड्स बोथ इमोशनल एंड कॉग्निटिव जजमेंट्स एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट. अब देखिए सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर कुछ चीजें जो है वो ऐड की गई है. सबसे पहला तो ये सेल्फ रिपोर्टेड मेजर ऑफ वेलबींग, मतलब कि यू डिसाइड दैट हाउ मच एमिनिटीज यू गेट फॉर मेंटेनिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीजें आपको मिलती है या नहीं.
सो इट इज अ सेल्फ रिपोर्टेड मेजर. सो इट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ. मतलब लोगों का जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे इसका कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है. तो इसके अंदर दो चीजें हैं, इमोशनल एंड कॉग्निटिव जजमेंट्स. कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं हम इमोशन के बेसिस पे लेते हैं, कहीं जगह पे हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा उसके बेसिस पे हम जजमेंट लेते हैं, उसे कहते हैं कॉग्निटिव जजमेंट्स. सो इट इंक्लूड्स द बोथ. आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. सो जैसा कि मैंने कहा कि इसी आर्टिकल के अंदर कई बार ये जो कंसेप्ट है SWB का उसको मेंशन किया गया है. 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. फर्स्ट, इट सेट्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड. सेकेंड, सिंस इट इज अ ट्रीटी इट डायरेक्टली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन अपॉन द कंट्रीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ए 1 only. सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब देखिए ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. तो जिसके अंदर ये कहा गया था कि हर एक कंट्री जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स देते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सली सभी को प्रोवाइड करने चाहिए. तो उसके बाद उसका ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है उसे अडॉप्ट किया. तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये कंसीडर हुआ कि फंडामेंटल राइट जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी है, इट शुड बी प्रोवाइडेड यूनिवर्सली. लेकिन ये कोई ट्रीटी नहीं है, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. ये वॉलंटरीली सभी कंट्रीज जो है अपने कंट्री के अंदर किसी भी ह्यूमन को ये राइट्स दे सकते हैं. इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इसके लिए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है और उसके अंदर NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसकी स्थापना की गई. सो आंसर इज ए 1 only. तो अभी श्रीलंका के अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के केसेस आ रहे हैं उसके चलते ये UNHRC जो है वो अभी न्यूज में है. प्लस इस साल के प्रीलिम्स के अंदर भी ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे. 9th क्वेश्चन, अब जो दो क्वेश्चन है आज के न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज से. फर्स्ट, द टर्म महाबाहु ब्रह्मपुत्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल. एंड द करेक्ट आंसर इज बी आसाम. आसाम के अंदर रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं तो प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा है कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र. तो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मल्टी मॉडल वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको नाम दिया गया है ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र. 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इन अ सिचुएशन ही डीम्स फिट. सेकेंड, फ्लोर टेस्ट इज अ टर्म यूज फॉर द टेस्ट ऑफ द मेजोरिटी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी. एंड द करेक्ट आंसर इज ए 1 only. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब लास्ट ईयर अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था. कई सारे स्टेट के अंदर ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि फ्लोर टेस्ट के अंदर गवर्नर के पास कितने पावर्स हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जैसी सिचुएशन गवर्नर को फिट लगे उस सिचुएशन के अंदर गवर्नर के पास ये पावर है कि वो कभी भी चाहे तो फ्लोर टेस्ट जो है उसे बुला सकता है. लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे ऐसा लगे कि चीफ मिनिस्टर जो है उनके पास मेजोरिटी नहीं है. तो फ्लोर टेस्ट के अंदर मेन टास्क क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी. और यहां पे क्या लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में कि यहां पे मेजोरिटी ऑपोजिशन पार्टी को प्रूव करनी होगी. तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आंसर इज ए 1 only. सो अभी पुडुचेरी के अंदर ये फ्लोर टेस्ट होने वाला है इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक फिर से न्यूज में है.
ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।